मालेगांव शहर के अंदर जो तामीरी काम आज तक चल रहे जबकि प्रशासन कॉर्पोरेशन पे बैठ चुका है, कोई बॉडी नहीं है, कोई कॉर्पोरेटर नहीं है, तो भी शेख रशीद साहब की क्यादत में आपके सामने मिसाल है क्या? आयशा नगर की रोड आपने देखी, अभी आप लोगों ने देखा कि भिक्कू वाली रोड, आपने देखा नूरबाग की तमाम ही रोड, आप अभी देख रहे हैं कि रहने के अंदर भरपूर काम चल रहा है, आप देख रहे दरे गांव के अंदर, रमजानपुरे के अंदर, अभी चार पांच रोड इस इसराब के अंदर पीछे बनने वाली है, हर इलाके के अंदर शहर के अंदर तामीरी काम जारी है। इब्तदाई प्रोग्राम के पुत्र मोहतरम हमारे अपने बुजुर्ग परीक टेलर साहब मंच पे बॉम्बे कॉलोनी आयशा नगर तमाम ही बुजुर्ग हजरा नौजवान साथी दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं शकील जानी बेग साहब सुल्तान हिंद एजुकेशन सोसाइटी के तमाम ही सदर और अकील और तमाम ही इस इलाके के नौजवान बुजुर्ग इस इलाके की आवाम को मुबारकबाद देता हूं कि आज बहुत हमारे लिए इस इलाके के लिए खुशी का दिन है कि यहां पर आज इब्तदा अमल में आएगा अदारे का राबता ऑफिस का। आजकल शहर में जहां अदारा क्लब की बात आती है तो आमतौर पर अलग अलग तरीके की सोच पैदा होती है कि वही अदारे के अंदर नौजवान बैठेंगे, कैरम खेलेंगे, पत्ता खेलेंगे, हंसी मजाक करेंगे, आमतौर पर इतराज होता है आवाम को मोहल्ले। लेकिन मैं ये अदारे के नौजवानों को, इस इलाके के नौजवानों को मैं बहुत दिनों से जानता हूं कि हमेशा शकील भाई की क्यादत में इस मोहल्ले के अंदर, इस इलाके के अंदर किस तरीके से सामाजिक काम अंजाम दिया जाए, किस तरीके से आवाम की खिदमत की जाए, अवामी मसाइल किस तरीके से हल किए जाए, इसके लिए सुल्तान हिंद अदारे के तमाम ही नौजवान हमेशा आगे बढ़कर हिस्सा लेते। और मुझे उम्मीद है कि आज यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राबता ऑफिस का इब्तदा मन में आ रहा है, आप लोगों पर ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अवामी मसाइल आप हल करें, आवाम की खिदमत करें। सिर्फ और सर्वे नंबर 65 की आवाम का नहीं बल्कि आयशा नगर और क्षेत्राब के तमाम इलाकों की आवाम का जो भी अवामी काम होगा आप लोग उसको हल करने की कोशिश करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं थोड़ा ताखीर से आया इसके लिए माजरत चाहता हूं, मुझसे पहले भी कई तकरीर हुई होगी और आप लोगों को भी इस बात का इल्म है कि चंद महीनों के अंदर कॉर्पोरेशन का इलेक्शन डिक्लेयर होगा, चंद महीनों में। जो वार्ड 3 का बना था वो वार्ड कैंसल हो चुका है, अब 3 का प्रभाव 3 का फाइनल नहीं रहेगा, क्योंकि कल मैं मुंबई में था और मुंबई में महाराष्ट्र की हुकूमत ने असेंबली के अंदर बिल पेश कर दिया, इन्हें कानून बनाने के लिए बिल पेश कर दिया और वो कानून जो तरमीम के साथ पेश किया गया है उसमें 4 का प्रभाग 4 का फाइनल वापस किया जाएगा और साथ साथ में कुछ लोग ये बोलते थे कि 2017 की तर्ज पे ही इलेक्शन हो जाएगा, यानी वही फाइनल रहेगा, वही वार्ड रहेंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो मैंने उसका मसूदा जो कानून का पेश किया गया बिल मैंने उसकी कॉपी साथ में ले आया और जो पॉपुलेशन बताई गई है और मालेगांव की जो पॉपुलेशन है
3 लाख से ऊपर वाली जो पॉपुलेशन होगी उसको 85 से 95 वाट किया जा सकता है, इस तरीके का तरमीम बिल के अंदर पेश किया गया है। कल शायद वो बिल मंजूर नहीं हुआ रात तक की मेरी रिपोर्ट जो थी, लेकिन पीर के दिन जब असेंबली सेशन शुरू होगा तो मुझको लगता है कि रात तक वो बिल कानून में तब्दील हो जाएगा और महाराष्ट्र के अंदर वापस 4 साल पैनल का कानून बन जाएगा। बोलने का मतलब मेरा यह है कि जो हम लोग ये सोच रहे थे कि 3 के ऊपर इलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि सरकार ने मन बना लिया। इससे पहले भी मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार को 4 के पैनल में फायदा होता है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, तो सिर्फ मालेगांव सामने नहीं रखा जाता बल्कि मुंबई छोड़कर थाना है, पूना है, नागपुर है, औरंगाबाद है, बड़ी बड़ी जो सिटी होती है, जो शहर होते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलता है। इसके लिए इससे पहले की जो सरकार थी वो 3 पार्टियों की थी और इसके लिए 3 का पैनल बना कि भाजपा को उसका नुकसान होगा, लेकिन सरकार बदलते ही उन्होंने 4 का पैनल की मंजूरी दी। जाहिर सी बात है वार्ड रचना फिर से होगी, उसके बाद फिर इलेक्शन की शुरुआत होगी। साधारण अगर कोई कानूनी रुकावट नहीं आई तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीर के दिन पूना के राष्ट्रवादी के लोग उसके खिलाफ में सरकार के फैसले के खिलाफ में गए हैं, उसकी तारीख पीर के दिन है, और मुंबई के शिवसेना के लोग भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया, कोई रुकावट नहीं पेश की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर 4 के प्रभाव से नए रचना के हिसाब से ही इलेक्शन होंगे। इसके लिए हम लोगों को बहुत तैयारी में रखना है। मैं तो आज हम लोग देख रहे हैं कि हर उम्मीदवार अपने हिसाब से पैनल बनाकर अपनी मेहनत कर रहा है, लेकिन अब वो बात खत्म हो चुकी है, अब वो बात खत्म हो चुकी है 90%। इसके लिए वार्ड कैसे भी बने, 4 का बने, 3 का बने, 2 का बने, हमारे पास तो कभी मसला रहा ही नहीं। हमारे पास सिर्फ एक मसला है, एक मिशन हमारा अपना होता है कि आवामी काम करते रहो, चाहे इलेक्शन आए चाहे इलेक्शन नहीं आए, यही हमारा मकसद हमेशा रहा है और उस हिसाब से हम लोग आगे चल रहे और चलते रहना चाहिए। आप लोग ने देखा कि शेख हसीन साहब की क्यादत मालेगांव शहर के अंदर जो तामीरी काम आज तक चल रहे हैं, जबकि प्रशासक कॉरपोरेशन पे बैठ चुका है, कोई बॉडी नहीं है, कोई कॉरपोरेटर नहीं है, तो भी शेख रसीद साहब की क्यादत में आपके सामने मिसाल है क्या, आयशा नगर की रोड आपने देखी, अभी आप लोगों ने देखा कि भिक्कू वाली रोड, आपने देखा नूरबाग की तमाम ही रोड, आप अभी देख रहे हैं कि रहने के अंदर भरपूर काम चल रहा है, आप देख रहे दरे गांव के अंदर, रमजानपुरे के अंदर, अभी 4-5 रोड इस इतराब के अंदर पीछे बनने वाली है, हर इलाके के अंदर शहर के अंदर तामीरी काम जारी है और इंशाल्लाह वो रुकने वाले नहीं है। ठीक है प्रशासन बैठ गया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी अपनी कोशिश है कि मैं ना MLA हूं ना कॉरपोरेटर हूं, लेकिन हमारी सरकार, हमने 15 करोड़ रुपया लाया और आज उसका तामीरी काम जारी है। आप लोग देख रहे बड़े बड़े तामीरी काम रास्ते पे चल रहे हैं और मैं आज वादा करता हूं इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है, मैंने इससे पहले भी एक टीवी चैनल वाले को बयान दिया और मैंने कहा कि इस महाराष्ट्र के अंदर सरकार कोई भी रहे, सरकार कोई भी रहे, लेकिन जो पॉलिसी बनती है, जो स्कीम बनती है तामीरी काम की, वो पूरे महाराष्ट्र की आवाम के लिए होती है, वो पार्टी के लिए नहीं होती कि किसकी हुकूमत है। और कानूनी तौर पर मजबूत दलील के साथ और थोड़ा ताल्लुकात के बिना के ऊपर अगर हम लोग कोशिश करें तो हुकूमत किसी की भी रहे फंड आता है, इंशाल्लाह ये शहर आने वाले दिनों के अंदर देखेगा, ये बात का मैं वादा करता हूं, ये शहर देखेगा चंद दिनों के अंदर कि सरकार भी बदल गई,
मेरी पार्टी की हुकूमत नहीं, उसके बावजूद भी ये शहर के अंदर मैंने ला सकते हम लोग, ये हम लोग साबित ही शहर के अंदर करेंगे।